चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चाईबासा ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि लालू यादव अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि दुमका कोषागार मामला अभी लंबित है। बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के 3 विभिन्न मामलों में 14 साल तक की कैद की सजा पाने के बाद 23 सितंबर 2017 से इलाज के लिए न्यायिक हिरासत में झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भर्ती हैं। कुछ महीने पहले लालू को कथित तौर पर कोरोना वायरस के संकट से बचाने के लिए रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट कर दिया गया है। सितंबर 2013 में चारा घोटाले के पहले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद वो 2014 में जमानत पर रिहा हुए, लेकिन एक बार फिर 23 सितंबर 2017 को लालू चारा घोटाले के एक अन्य मामले में सजा सुनाए जाने के बाद बिरसा मुंडा जेल भेजे गए और तब से वह जेल में बंद है। फिलहाल लालू न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज करा रहे हैं। बता दें कि राज्य की सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है। अपनी जमानत याचिका में लालू यादव ने कहा था कि उन्होंने इस मामले में अपनी आधी सजा काट ली है, इस आधार पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी बीमारी का भी हवाला दिया था। इससे पहले 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को 4 मामले में सजा सुनाई गई है, सभी मामलों की सजा अलग अलग चल रही है। जब तक संबंधित अदालत सभी सजा एक साथ चलने का आदेश नहीं देती तब तक सजा अलग अलग ही चलेंगी। सभी मामलों में आधी सजा काटने के बाद उन्हें जमानत मिल सकती है।